चालाक बंदर। किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे फल लगते थे। बंदर भर पेट उन फलों को खाता और मौज उड़ाता। वह अकेले ही मजे में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगर नदी में से निकलकर उस पेड़ के नीचे आया। बंदर के पूछने पर मगर ने बताया कि वह खाने की तलाश में वहां आया है। बंदर ने उसे कुछ फल खाने को दिए। इस प्रकार उन दोनों में दोस्ती हो गई। अब मगर हर रोज वहां आता और दोनों मिलकर खूब फल खाते। एक दिन बातों बातों में मगर ने बंदर को बताया कि उसकी एक पत्नी है जो नदी में उसके साथ रहती है। बंदर ने मगर को उसकी पत्नी के लिए भी बहुत से मीठे फल ले जाने के लिए दिए। इस तरह मगर रोज जी भरकर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाता। एक दिन मगर की पत्नी ने उससे कहा कि अगर वह बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, मैं उसका कलेजा खाऊंगी। मगर ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। मगर दावत के बहाने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर ले जाने लगा। नदी के बीच में पहुंचकर उसने बंदर को अपनी पत्नी की इच्छा बता दी। इस पर बंदर ने कहा कि वह तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया है। कलेजा लाने के लिए उसे वापस पेड़ पर जाना पड़ेगा। मगर बंदर को वापस पेड़ के पास ले गया। बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने हंसकर कहा, जाओ मूर्खराज घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है।